हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके साथ नए क्वेश्चंस लेके 10th क्लास के यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं और आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन। दोस्तों ठीक है, दोस्तों आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 1/2x - 1/y = वैल्यू दे रखी है इसकी -1 और 1/2x + 1/2y की वैल्यू दे रखी 8। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम नॉर्मली जैसे करते हैं कि x और y में इक्वेशन बना के सॉल्व कर लिया, x y की वैल्यू निकाली, वो हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो जब 2x और y की एलसीएम लोगे तो 2xy होगा, इधर जाके -2xy हो जाएगा। तो ये दोस्तों हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमें दोस्तों करना क्या होता है, हमें इसमें 1/x और 1/y जो फ्रैक्शन में दे रखा है, हमें इसकी कुछ वैल्यू मान के करनी होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों करना कैसे है। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 1/x को मान लेंगे दोस्तों u। ये ट्रेडिशनल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे ही हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। एंड 1/y को मान लेंगे हम यहाँ पे दोस्तों v, ठीक है दोस्तों। अब हम 1/x से इस इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे, 1/y से इसमें रिप्लेस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस वाले इक्वेशन में जो 1/x पुट करेंगे, 1/x के जगह पे क्या पुट करेंगे दोस्तों, u पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, u/2। 1 - y की वैल्यू क्या है, भी तो ये हो गया हमारे पास -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन हमारे दोस्तों इसमें पुट करो, 1/x की वैल्यू दोस्तों पुट करो आप, 1/x की वैल्यू पुट करो दोस्तों आप u, ये दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 1/x है दोस्तों सिर्फ, ठीक है दोस्तों। अब 1/x की जगह पुट करो u, तो हो गया u। दूसरे वाले में 1/2y है, तो 1/y की जगह करो भी और ये हो गया 2, भी बाई 2 हो गया हमारे पास और इसकी वैल्यू दे रखी है 8। दोस्तों ये 1/x था, 1/2x नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब आगे ये उसी की तरह हो गया जो पहले हम x y सॉल्व करते थे। तो अब देखिए इसे आगे कैसे करना है, u - 2v = -2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें ये 2u + v = हो गया दोस्तों 16, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हमारे पास अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 इक्वेशन हो गया दोस्तों और 2 हमारे पास वेरिएबल हो गया। तो अब हमें सॉल्व करना है, इसे कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। क्यों, क्योंकि ये -2 भी हो जाएगा और ये +2 भी हो जाएगा, तो ये दोनों जो हम ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो इसलिए इसको कर दो (multiply by 2), ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 4u + 2v = 32, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को सम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लिख दो 1 + 3, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा, u - 2v + 4u + 2v - 2 + 32, ठीक है दोस्तों। हम इसे जोड़ेंगे, अब 4u + u कितना हो गया, 5u - 2v से - 2 कट गया, ये हमारे आ गया 32 में से 2 हो गया 30, u की वैल्यू आ गई दोस्तों 6। अब हम किसी एक क्वेश्चन में पुट करके भी की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों हम इसी में पुट कर लेते हैं, चाहे इसमें पुट कर लेते हैं। u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, u की वैल्यू है इसमें 6 डाल दो आप 2 × v और ये हो गया 32, 24 + 2v = 32, 2v की वैल्यू आ गई दोस्तों 8, v की वैल्यू आ गई दोस्तों 4 और u की वैल्यू आ रखी थी हमारे पास 6, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर नहीं आया दोस्तों, आंसर तो हमें एक्स वाई निकालना है दोस्तों। तो 1/x को आपने क्या माना था दोस्तों, 1/x को दोस्तों आपने माना था u, 1/x को दोस्तों आपने क्या माना था u, और ये देखो आपने 1/y को क्या माना था, 1/y को माना था भी दोस्तों, ठीक है। और 1/x लिखते हैं यहाँ पे, u की वैल्यू कितनी है दोस्तों, u की वैल्यू है दोस्तों 6, ठीक है दोस्तों। अब इस वाले को देखो 1/y, और भी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, भी की वैल्यू है दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/4। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार और आप इस क्वेश्चन को दोस्तों समझ लो। दोस्तों हमें निकालना था 1/2x - 1/y = -1 और 1/x + 1/2y की वैल्यू दे रखी 8। हमें x और y के लिए सॉल्व करना, मतलब x y की वैल्यू निकालनी है, हम डायरेक्टली तो ऐसे सॉल्व करेंगे नहीं, तो 1/x को मान लेंगे u। तो ये कितना हो जाएगा, u/2, और ये हो गया, ये देखिए दोस्तों u/2, और 1/y को माना हमने भी, तो -v = -1 हो गया। इस वाले में 1/x को हम पुट करेंगे u, तो u हो गया प्लस
अब वन बाई वाई को हमने माना है क्या भी, तो भी बाई टू हो गया। अब यहाँ से u माइनस टू भी इक्वल टू माइनस टू, टू यू प्लस भी इक्वल टू 16। यहाँ से दोस्तों हमने इस वाले इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा इतना आ गया। फिर इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो हमें u की वैल्यू आ गई 6 और v की वैल्यू आ गई 4। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने 1 बाई एक्स को माना है u और 1 बाई वाई को माना है v। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे से हमने 1 बाई एक्स को लिख दिया 6 और 1 बाई वाई को लिख दिया 4 और हमने x की वैल्यू आ गई 1 बाई 6 और y की वैल्यू 1 बाई 4। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा आप इसे करें और समझ